नमस्कार, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है जो कविता पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा की, सब आंखों के आंसू उजले, इसका भाग छह हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहली कविता हमने महादेवी जी की पढ़ी है, जाग तुझको दूर जाना। इसके बाद जो इनकी दूसरी कविता है, सब आंखों के आंसू उजले। यहाँ पर ये जो उजले शब्द आया है कविता में, ये विशेषण जो है ये पवित्रता का प्रतीक है, पवित्र और निर्मल हृदय का प्रतीक है, क्योंकि आंसू जो होते हैं छल कपट रहित होते हैं, उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होते हैं और कठिनाइयों में, सुख दुख में या फिर जब अधिक खुशी होती है तब भी आंसू निकलते हैं, तो ये जो है पवित्रता का प्रतीक है आंसू। और ये छल कपट से रहित, स्वार्थ से रहित होते हैं, सभी की आंखों में, सभी के हृदय में सपने बसते हैं और उन्हें सफल करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन पथ पर बढ़ते रहने के लिए, चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना का संदेश हमें इस कविता से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्रकृति जो है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, प्रकृति किस प्रकार से जीवन में जो है अपने स्वरूप को नहीं बदलती है और किस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। हाँ, प्रकृति में परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन किसी के सहारे, किसी का सहारा लेकर के वो अपना स्वरूप नहीं बदलती है, अपने आप आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं, मनुष्य के जो गुण हैं, उन्हें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हीं गुणों को अपनाते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्रकृति की तरह ही अपना जीवन यापन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर अपने सपने को साकार करने के लिए या सपनों को सच करने के लिए मनुष्य को प्रकृति से सीख लेने की सलाह या प्रेरणा कवित्री महादेवी वर्मा दे रही है। हमने इसका जो पहला, यानी इससे पहले वाले जो भाग पढ़े हैं, सब आंखों के आंसू उजले, इसके जो पहले भाग हमने पढ़े हैं, जैसे हमें सत्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए दीपक की तरह जलना होगा, फूल की तरह खिलना होगा, हमारा हृदय कठोर होने पर भी हमें उसमें करुणा का जल बहाना होगा, अर्थात कठोर हृदय में भी करुणा की भावना रखनी होगी, सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। जिस प्रकार से दीपक अंधकार को नष्ट करके और संपूर्ण वातावरण को प्रकाशमय कर देता है, यानी स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, वो लोक हित में कार्य करता है, लोक कल्याण का कार्य करता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी लोक हित में कार्य करते हुए अपने मौलिक गुणों को नहीं बदलना चाहिए। फूल जो है खिल करके और चारों ओर सुगंधमय वातावरण बना देता है, अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर देता है और बाद में झड़ जाता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो अपने गुणों का त्याग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को भी ये क्या है, फूल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, सब क्या है, प्रकृति है। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और लोक हित में कार्य करने के लिए, यानी
सभी के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति से सीख लेकर के अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपना जो अस्तित्व है उसे हमें नहीं मिटाना चाहिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से दीपक जो है वो खिल नहीं सकता, फूल जो है वो जल नहीं सकता, क्योंकि सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे गुणों को, हमारी प्रवृत्ति को, जो है जो अच्छे गुण हैं उन्हें हमें नष्ट नहीं करना है। यहाँ पर इसी कविता में महादेवी वर्मा कहती है कि जिस प्रकार से हीरा और सोना जो होता है, स्वर्ण धातु जो होती है, हीरा जो है जैसे टूटा हुआ आकाश से टूटा हुआ तारा चमकता है, उसी प्रकार से हीरा जो है खंडित होकर भी अपनी चमक को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो अपना यानी कि तीक्ष्ण धार से पिटकर और अधिक निखरता है और अधिक चमकता है। सोना भी अनमोल है यानी बहुमूल्य है, मूल्यवान है, वो भी जो है सोना भी उसे भी अधिक चमकने के लिए पहले आग में जल तपना पड़ता है। आग में जल करके या तप करके सोना अधिक शुद्ध हो जाता है, खरा सोना बन जाता है और उसमें अधिक चमक आ जाती है। उसी प्रकार से कवियत्री कहना चाहती है मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसे लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। सोने और हीरे का उदाहरण देकर के यहाँ पर कवित्री ने बताया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहाड़ और सागर का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पहाड़ जो है वो धरती को या पृथ्वी को उपहार स्वरूप में झरने देते हैं, सागर भी जो है जल देता है, यानी धरती की और सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता है, लोक हित में कार्य करता है। पहाड़ जो है वो भी धरती पर झरनों के रूप में यानी पहाड़ों से झरने गिरकर धरती की प्यास बुझाते हैं और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझाते हैं। तो यहाँ पर लोक हित में कार्य करते हुए ये अपनी प्रकृति को नहीं बदलते हैं, अपने गुणों को नहीं बदलते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए, प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। और आगे का भाग हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें महादेवी जी क्या कर रही है। यहाँ पर हमारी कविता है सब आंखों के आंसू उजले, यानी सपनों को साकार करने के लिए सभी की आंखों में सपने होते हैं और ये आंसू जो है पवित्र निर्मल भावना का प्रतीक है। देखते हैं नीलम हरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें भरते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती, जो नगमे विद्युत में भी बना वह रज में अंकुर हो निकला। देखिएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रकृति से सीख मनुष्य को लेनी चाहिए। प्रकृति अपना स्वरूप तो बदलती है लेकिन अकेले ही किस प्रकार से प्रकृति अपने पथ पर यानी आगे बढ़ती जाती है और प्राकृतिक सौंदर्य से सभी को आनंदित करती है, उसी प्रकार से
तरह ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीलम मरकत के संपूर्ण दो, नीलम यानी नीला आकाश, नीलम वैसे तो यहाँ पर नीले आकाश के लिए आया है, यह एक बहुमूल्य हीरा की तरह है नीलम मणि। नीलम मरकत, मरकत यानी खरा पन्ना जो होता है, के संपूर्ण दो जिनमें बंधा जीवन मोती, जीवन मोती। यहाँ पर कहने का भाव है कि जिस प्रकार से सीप जो होती है, आपने देखा होगा नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे जो सीपी होती है, सीप जिसमें मोती का जन्म होता है, जिस प्रकार से सीपी में या सीप में मोती का जन्म होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवियत्री जीवन रूपी मोती की बात करती है। उसी प्रकार से जो नीलम यानी नीला, हरा भरा नीला जो स्वच्छ आकाश है और नीचे जो हरी भरी धरती है, उसके बीच में मनुष्य का जन्म होता है, यानी नीले आकाश, स्वच्छ आकाश और धरती के मध्य भाग यानी बीच में मनुष्य का जन्म होता है। और इसमें ही धरते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती, इसी धरती पर, हरी भरी धरती पर, इसी प्रकृति के बीच में मनुष्य सभी प्रकार के कार्य करता है और रंग रूप सौंदर्य को बिखेरता हुआ अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकृति के बीच में वो अपने रंग रूप सौंदर्य को बिखेरता हुआ और प्रदर्शित करता हुआ जीवन पथ पर आगे बढ़ता जाता है। उसकी आभा स्पंदन होती, उसकी प्रत्येक धड़कन में जो है वो जिस प्रकार से प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लोक हित में कार्य करती है, उसी प्रकार से उसकी धड़कन या उसकी जो चमक है वो भी उसी प्रकार से प्रकृति की तरह ही स्पंदित होती रहती है, बनी रहती।
जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमे एकाकी प्राण जला, सपने सपने में सबके ढला। देखिएगा संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि, संसार के प्रति पग में मेरी सांसों का लोग अंकन जुड़ लो, मेरे बनने मिटने में अपने साधु साधु यानी इच्छाओं आकांक्षाओं के स्थान चुन लो। जलते खिलते बढ़ते जल में घुलमिल एकाकी प्राण जला, सपने सपने में सपने लगा। यहाँ से इसका अर्थ देखिएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति सपने देखता है और उन सपनों को साकार करने के लिए, उन सपनों को सच करने के लिए व्यक्ति इस सृष्टि में अपने सत्य के मार्ग पर चलता हुआ इस सृष्टि में जीवन यापन करता हुआ और अपने बनती है, अर्थात अपना मिटती है, अपना स्वरूप बदलती रहती है कि कभी जैसे बसंत ऋतु आ जाती है, कभी जो है सावन का महीना है, कभी फाल्गुन का महीना है, यानी जिस प्रकार से प्रकृति भी बनती और मिटती है उसी प्रकार से मनुष्य की भी जो स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं होती है। उसे इन सभी से संघर्ष करते हुए जीवन में अपने लक्ष्य कठिनाइयों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए और लोक हित में कार्य करते हुए मनुष्य को भी अपने सपनों को साकार करना चाहिए, अपने सपनों को सच करना चाहिए। इसके लिए बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण जला, जिस प्रकार से प्रकृति अकेली ही चलती है, अर्थात प्रकृति जो है वो किसी का सहारा नहीं लेती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी जीवन में सफल होने के लिए उत्साह युक्त होकर के और अकेले ही परिश्रम करना पड़ता है और अकेले ही अथक प्रयास करके परिश्रम करके लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, सफलता प्राप्त करनी होती है। सपने सपने में सत्य डरा, तभी वो अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने सपनों को सच कर सकता है। तो यहाँ पर हमें प्रकृति से सीख लेकर के अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए लोक हित में कार्य करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भी अथक प्रयास करने चाहिए और प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए। मुझे आशा है यह कविता आपको समझ में आ गई होगी और